कॉमर्स डिपार्टमेंट में कोरोना केस आ गए, मतलब उनके फाइनल ईयर के कुछ स्टूडेंट्स को कोरोना हो गया। इस वजह से उन्हें इमीडिएटली उन्होंने जो पूरा डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया, और उसके बाद उन्होंने 30 तक के उन्होंने अपनी क्लासेस सस्पेंड कर दी थी। तो उनकी क्लासेस सस्पेंड हुई, अब उनका ऑनलाइन हुआ और फिर वो आपका ऑफलाइन वीक आ गया। ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन में मैं परेशान कि अब मैं किसकी ऑनलाइन हूँ और किसकी ऑफ। इस वजह से फिर आज आपका जो है वो फिजिकली जो है वो ऑनलाइन में आ गया। ये है कि अब इस तरह के कुछ केसेस बढ़ रहे थे, इस वजह से जो डेफिनेटली अब हो ही चुका था कि यार लाजमी हो ही जाना चाहिए बंद। खैर सब सेफ रहे अपने घरों में, आप लोग भी अपने घर में सही से पढ़ाई किया करें भाई, और ये सोच के करिएगा कि आप लोगों के जितने भी एग्जाम होंगे वो आपके वाइस चांसलर कभी ऑनलाइन होने नहीं देंगे, इसलिए सोच समझ के अपनी तालीम करनी है मुकम्मल। अच्छा आज जो है वो हमारे पास लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 के अंदर लास्ट वीक में जो है वो हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि आपके साथ जो है वो मैंने आपको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और डिस्क्रीट रैंडम डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और उसके डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं, किस तरीके से हम उसको जो है वो सॉल्व करते हैं। उसके साथ हमने कुछ 4 टॉपिक हमने टोटल कवर किए थे। एक पढ़ा था मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का, दूसरा हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, फिर हमने जो है वो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ा था, ठीक है, और फिर एक ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो इसलिए जो है वो आप लोगों के ये सारे जो है वो कुछ पॉइंट्स थे जो आप लोगों ने जो है वो डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में। फिर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आप बात बताई थी आपको कि देखें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल अगर आप डिस्कस कर रहे हो तो उसके लिए आपको डिफरेंट उसकी डिस्ट्रीब्यूशंस भी पढ़नी होंगी। इसकी कुछ स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं वो आपको जो है वो कवर करनी होगी। तो लास्ट टाइम हमने जो भी पढ़ाया था डिस्क्रीट के ऊपर बातें की थी, मैंने आपको कहा था कि इसके ऊपर कंटिन्यूस के ऊपर भी पूरे पूरे टॉपिक होंगे, लेकिन आज जो है वो हम क्या पढ़ रहे हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक कवर कर रहे हैं, और साथ साथ जब हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही पढ़ेंगे। तो आज हम जितनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे वो सारी की सारी क्या होंगी डिस्क्रीट टाइप की होंगी। अब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन सी टाइप आ जाती हैं, जिस तरह बाइनोमियल आ गई, आपके पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, ज्योमेट्रिक आ गई, हाइपर ज्योमेट्रिक आ गई। अब ये सारे जो टाइप्स हैं ये सारे किसकी टाइप है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप है। अब ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है और क्या पर्पस होता है इन स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अब आपने डिस्क्रीट से रिलेटेड आपने क्या पढ़नी है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशंस भी पढ़नी होगी, जैसे बाइनोमियल, हाइपर ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक। अब ये स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती हैं, ये बेसिकली एक स्पेसिफिक डेटा सेट पे ही अप्लाई की जाती हैं। अब हर डेटा सेट के ऊपर या हर वैल्यू के ऊपर या हर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के ऊपर आप ये डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं कर सकते। ये डिस्ट्रीब्यूशंस हमेशा एक स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर ही अप्लाई की जा सकती है। अगर आपके डेटा के अंदर ये सारी करेक्टरिस्टिक्स होंगी तब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप उस पर अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप उस पर अप्लाई नहीं करोगे। फिर वो जिस डेटा सेट से लाई कर रही होगी, जिस डिस्ट्रीब्यूशन से मैच कर रही होगी, फिर आप वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप उस पर अप्लाई करोगे। तो सबसे पहली और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहली डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, दैट इज़ कॉल्ड द बर्नौली ट्रायल्स या फिर बर्नौली एक्सपेरिमेंट। अब ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट और ये बर्नौली ट्रायल्स क्या होते हैं, सबसे पहले जो है वो हम ये देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसी कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो देखिए सबसे पहले जो है वो आपके पास क्या है, सबसे पहले आपके पास बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपके दो वर्डिंग्स को जो है वो समझ जाए। तो बिफोर वी स्टडी द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द मिस डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्रीन शेयर कर दें। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? अरे नो मिस। हद होती है। ये देखो अब हो रही है, यस अब आ रही है। मिस अच्छा तो ये बात मैं बता रही थी आपको बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। अब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, बिफोर वी स्टडी द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने से पहले, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप की है, ये एक डिस्क्रीट टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है। अच्छा इसे पढ़ने से पहले अब आपको क्या करना है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को पढ़ना होगा। अब वो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स क्या हैं
वो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के अंदर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, पहला आता है बर्नौली ट्रायल, दूसरा आता है बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। अब ये दोनों वर्डिंग क्या है इसको पढ़ लेते हैं। वेल एन एक्सपेरिमेंट विद ओनली टू पॉसिबल आउटकम रिपीट इन अ सच वे दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू आउटकम रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर ट्रायल टू ट्रायल एंड दैट ट्रायल इज आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल। अब इन्होंने यहाँ पे आपसे क्या कहा, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट जिसके सिर्फ टू पॉसिबिलिटीज ही हों, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके आने की सिर्फ दो पॉसिबिलिटी हो। दो पॉसिबिलिटी का मतलब या तो वो सक्सेस है या तो वो फेल है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए, इसके अलावा कोई और तीसरी पॉसिबिलिटीज नहीं होनी चाहिए। और उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो बेसिकली हर ट्रायल पे क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। हर ट्रायल पे उसकी सक्सेस जो है वो सेम होनी चाहिए, ये नहीं हो कि किसी ट्रायल पे आपकी सक्सेस जो है वो डिफरेंस होता है। इसे कहते हैं बर्नौली ट्रायल। अब बर्नौली ट्रायल की एग्जाम्पल को ज़रा पढ़ लोगे तो ज़रा अच्छे से ये बर्नौली ट्रायल समझ आ जाएगा। अब बर्नौली एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एन एक्सपेरिमेंट ऑफ अ फिक्स नंबर एन ऑफ द बर्नौली ट्रायल इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर फिक्स एन नंबर हो, जिसके अंदर एन नंबर आपने जो है वो फिक्स बता दिया, मतलब जो ट्रायल है आपके वो आपने बता दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया मुझे कॉइन टॉस करना है, और कॉइन टॉस करने का जो टॉसिंग कॉइन है वो मैंने 3 फिक्स कर दिया। तो जो आपने जितने मर्तबा आपने कॉइन को टॉस करना है दैट इज कॉल्ड द एन। जितने भी टाइम आप कॉइन को टॉस करते जाओगे वो किसके बराबर होगा, एन के बराबर होगा, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं, ऐसे मतलब ऐसे बर्नौली ट्रायल्स को हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट के लिए आपको ये 3-4 कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है, इसे पढ़ना होगा। एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट ओनली विच इज पॉसेस्ड ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अगर वो इन प्रॉपर्टीज पे लाइक कर रहा है इसका मतलब है कि आप उसे क्या कहोगे कि दैट इज कॉल्ड द बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, और अब आप इस पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हो। द नंबर ऑफ ट्रायल मस्ट बी फिक्स नंबर ऑफ एन, मतलब मैंने आपको बताया जितने भी ट्रायल होंगे उसमें क्या होंगे, फिक्स नंबर होंगे एन के। ईच ट्रायल मस्ट रिजल्ट इज आइदर सक्सेस और फेल, हर ट्रायल पे रिजल्ट जो है वो या तो सक्सेस होगा या तो फेल होगा, मतलब सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए। दो पॉसिबिलिटीज के अलावा आपके पास तीसरी पॉसिबिलिटीज होगी तो फिर वो बाइनोमियल के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी सक्सेस मस्ट बी रिमेन इज कॉन्स्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, यही बात मैंने आपसे कही थी, जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की वो लाजमी जो है वो कॉन्स्टेंट होनी चाहिए ट्रायल टू ट्रायल। मतलब जिस तरह फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप हेड क्वाइन कर रहे हो तो हर बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट टाइम आपने हेड को टॉस किया, आपने उसकी प्रोबेबिलिटी चेक कर ली भाई 1/2 है, ठीक है। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हेड की क्या है, 1/2। फिर आपने दोबारा कॉइन टॉस किया, फिर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। फिर आपने तीसरी मतलब कॉइन टॉस किया, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। मतलब हर बार ट्रायल करने पे, हर बार 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 आपको टॉस करने पे उसकी कॉइन की जो है वो सक्सेस हर बार में एक ही मिल रहा है, इसे कहते हैं कॉन्स्टेंट सक्सेस, ठीक है। ईच ट्रायल मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, हर ट्रायल जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए दूसरे ट्रायल से, मतलब कोई एक भी ट्रायल जो है वो आपके पास डिपेंड नहीं करना चाहिए दूसरे ट्रायल पर। हर ट्रायल जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जैसे कॉइन को टॉस कर रहे हो वो हर बार इंडिपेंडेंट है, डिपेंड तो नहीं कर रहा किसी पर भी। ऐसा तो नहीं है कि एक बार मैं कॉइन कर रही हूँ तो दूसरी बार जब कॉइन का सक्सेस आ रहा है तो वो फर्स्ट कॉइन के सक्सेस पर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसी अगर आपको प्रॉपर्टीज आपकी डिस्ट्रीब्यूशंस में दिखती हैं, ऐसा डेटा आपको, मतलब ऐसा डेटा सेट जो इस डिस्ट्रीब्यूशन से लाइक करता हुआ दिखता है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आप ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करने का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास गिवन है, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल द नंबर ऑफ अ सक्सेस एस इन एन ट्रायल इन ऑफ अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल एंड द बाइनोमियल टेक द वैल्यू ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पे क्या है कि इन्होंने कहा है कि बाइनोमियल में आप मतलब जो भी रैंडम वेरिएबल होगा, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करती है, डेफिनेटली रैंडम वेरिएबल पे ही करती है, तो इसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो यहाँ पे इन्होंने डिफाइन कर दिया है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। मतलब अब ये मास फंक्शन किसका है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मास फंक्शन है। अ फार्मूला विच इज़ यूज टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन एन बर्नौली ट्रायल, वेयर पी इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल एंड क्यू इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, इज कॉल्ड बाइनोमियल PMF। अब PMF क्या होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि PMF किसे कहते हैं।
अब ये जो पीएमएफ आपके पास गिवन है, ये किसका पीएमएफ है? ये है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये बाइनोमियल का पीएमएफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आपको गिवन किया गया है, ठीक है? और ये सिर्फ ये फार्मूला आप किस पे अप्लाई कर सकते हैं? जो इन प्रॉपर्टीज पे लाई करेगा, जैसे कि किसी जिसके जिसके सक्सेस जो है वो रिजल्ट सिर्फ फेल और सक्सेस और फेल पे डिपेंड करती है, जिसके एंड फिक्स ट्रायल हो, जिसके जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो कांस्टेंट रहे ट्रायल टू ट्रायल, और हर ट्रायल जो है वो इंडिपेंडेंट हो दूसरे से। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम लगती है जिसपे ये प्रॉपर्टीज हैं, तो वहाँ पे आप आग बंद करके बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये फार्मूला आप इस्तेमाल कर लोगे। इसकी भी प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होगी, इसका सम हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, और जितने भी अप्लाई करोगे इसकी जितनी भी आप बाइनोमियल जो है वो अप्लाई करोगे, तो उसमें जो है वो क्या में आपके पास क्या होगा, उसका सम हमेशा वन आएगा। तो मतलब जितने भी आपने जो है वो रेंडम वेरिएबल वन जीरो वन टू एन, जितने भी आपने जीरो वन टू एन डिफाइन कर दिए, अब जीरो एक रेंडम वेरिएबल है, उसके क्रॉस्पॉन्डिंग आपने फार्मूला डिफाइन कर दिया, ठीक है? उसके बाद आपने वन डिफाइन किया, वन के क्रॉस्पॉन्डिंग आपने फार्मूला डिफाइन कर दिया। अब क्या है, जितने भी आप रेंडम, ये प्रॉपर्टी क्या बता रही है, हर अगर जीरो रेंडम वेरिएबल के क्रॉस्पॉन्डिंग आप फार्मूला लगा रहे हो, तो ये फार्मूला में जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और देन इन सब का सम करोगे तो फाइनली क्या आएगा, वन आएगा। तो ये इस मतलब इस प्रॉपर्टी को इन टेबुलर फॉर्म में वेरीफाई करने का तरीका है। तो सबसे पहले आप बाकी एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपको उसकी जरा क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि मैं क्या कह रही हूँ। मिस बोलिए। ये पूरा बाइनोमियल पे बेस कर रहा है, यानी पूरा बाइनोमियल ही है ये एक तरह से। एक तरह से मतलब अभी और भी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक हाइपर ज्योमेट्रिक और क्या नाम है पॉइजन और भी पढ़ेंगे। यानी जो हमने सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर में बाइनोमियल पढ़ी है पूरा वही है ना, यानी ये मतलब। अच्छा, फर्स्ट ईयर में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाई थी मिस ने? नहीं, यानी फर्स्ट ईयर में बाइनोमियल का चैप्टर है ना, बाइनोमियल थ्योरम था वो। अरे वो जो तुम मैथ्स की बात कर रहे हो, मैथ्स में जो बाइनोमियल एक्सपेंशन थी उसी की बात कर रहे हो? जी मिस। नहीं नहीं वो बेसिकली एक्सपेंशन थी, वहां पे आपको उसकी डेरिवेशन के तौर पे बताया गया था। मे बी आपकी उससे काफी ज्यादा लिंक जो है वो उससे करता हो, लेकिन वो उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन टाइप थी। यहाँ पे आप उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, हाँ समथिंग आप कह सकते हो उससे थोड़ा सा सिमिलर होगा। अच्छा सही, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, इफ एक्स इज अ बाइनोमियल रेंडम वेरिएबल, अगर आप आपके पास अब वो जो बाइनोमियल की बातें मैंने आपको बताई हैं, अब वो क्या है आपके पास, अगर आपके पास एक एक्स इज अ रेंडम वेरिएबल इन अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, अगर एक एक्स आपके पास रेंडम वेरिएबल है बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, अब आपको वो प्रॉपर्टीज जज करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने डायरेक्टली आपको क्या मैंने डिफाइन कर दिया कि बाइनोमियल ही एक्सपेरिमेंट है, तो आपको डायरेक्टली प्रॉपर्टीज चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये हर वेरिएबल पे ट्रायल टू ट्रायल सेम है, कांस्टेंट आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी। फिर आपको वो चार पांच चीज़ें चेक करने की क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट लिख दिया गया। और क्या कहा है, एक्स एक रेंडम, एक्स जो है वो क्या है, एक बाइनोमियल जो है वो आपके पास गिवन है, ठीक है। एक्स जो है वो आपके पास एक बाइनोमियल आपके पास गिवन है, बाइनोमियल रेंडम वेरिएबल इन अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट पी। अब पी क्या है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एंड एन इज इक्वल टू सेवन, एन इज इक्वल टू सेवन गिवन है, फोर गिवन है, एक मिनट, एन इज इक्वल टू फोर, सॉरी फोर है ये, एन इज इक्वल टू फोर, एन आपके पास गिवन है फोर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ऑफ टू। अब इन्होंने बताया आपसे कि आपके पास सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इन्होंने आपको डिफाइन कर दी, और आपसे पूछा कि मुझे सक्सेस ऑफ टू की प्रोबेबिलिटी फाइंड करके बताएं, जबकि मेरे पास एक कांस्टेंट फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल मौजूद है। तो प्रॉपर्टी क्या लाई करती है, प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर आपके पास कांस्टेंट फिक्स नंबर के ट्रायल मौजूद हैं, तो आप क्या करो, फौरन से उसके ऊपर क्या कर दो, अगर एन फिक्स ट्रायल है और आपके पास पॉसिबिलिटीज दो मौजूद है, तो आप फौरन से उसके ऊपर क्या कर दें। अच्छा भाई मैं आपको स्लाइड सेंड कर रही हूँ, एक मिनट रुकता है, सी आर आपके ग्रुप पे स्लाइड सेंड कर रही हूँ, जरा इन्हें शेयर कर ले ताकि इन्हें ईजी होगा, एक मिनट दे मैं शेयर कर रही हूँ।
मैंने सेंड कर दिए, एक मिनट रुको, सेंडिंग हो रही है, आपको रिसीव हो जाएगी अभी। हाँ भाई मेरी तरफ से रिसीव हो गई है, आप लोग सेंड कर लो। अच्छा मेरी तरफ से सेंड हो गई है, सीआर आपको रिसीव करवा देंगे। अच्छा अब यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको क्या गिवन किया हुआ है, मैंने ऑलरेडी आपको जो है वो यहाँ पे रिसीव करवा दिया है, ठीक है, रिसीव हो गई है, नुमान को रिसीव हो गई, वो आपको दे देंगे। अच्छा अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गिवन है और फिक्स एंड ट्रायल गिवन है, तो आपको सीधे सीधे उन्होंने कह दिया कि बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट आपके पास गिवन है। अब आपने जो है वो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 3/4 गिवन कर दी गई है। अब आपने फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 2 पर फाइंड करनी है। किस पे फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस किस पे फाइंड करनी है, 2 पे फाइंड करनी है। एक उन्होंने कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी बता दी कि ट्रायल, हर ट्रायल के अंदर यही कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी है, मतलब 4 times एन गिवन है ना, तो फर्स्ट टाइम एन के अंदर भी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यही रहेगी, सेकेंड टाइम एन के अंदर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यही रहेगी, थर्ड टाइम एन के अंदर भी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यही रहेगी, फोर्थ में भी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यही रहेगी। तो अब इन्होंने पूछा 4 times आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम है, तो आप हमें एक्स की वैल्यू 2 पे हमें बता दें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी। तो ये एक इन्होंने क्वेश्चन पूछा है आपसे सिंपल। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, अब यहाँ पे इन्होंने आपके पास क्या किया है कि अब आपको सिंपल बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट गिवन है, क्वेश्चन में आपके पास कीवर्ड लिख दिया उन्होंने बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट का, तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, बाइनोमियल का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए अब आपके पास क्या है, फॉर्मूले के अंदर क्या क्या चीज़ें नोन है, सबसे पहले एन, एन आपके पास गिविन हो गया, एन की वैल्यू क्या है 4, सी आपको पता है कम्बिनेशन का है, एक्स, एक्स आपके पास क्या है, एक्स की वैल्यू वो जिस पे आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो ये आपके एक्स की वैल्यू क्या है 2, 2 पे आपको क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। अब एक्स पे आपको प्रोबेबिलिटी जो है वो 2 की फाइंड करनी है, पी, पी ऑफ सक्सेस यहाँ पे गिवन है, 3/4 पे आपको सक्सेस गिवन किया गया है, ये रहा पी पे आपको क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 3/4 गिवन है, और इसकी पावर एक्स, एक्स का मतलब आपको क्या है, एक्स भी आपको गिवन है, एक्स की वैल्यू 2, डॉट क्यू, अब क्यू बेसिकली आपके पास गिवन नहीं है, क्यू का मतलब होता है नंबर ऑफ फेलियर। अब यहाँ पे अगर मैं आपके साथ थोड़ा पीछे कर रही हूँ, फॉर्मूला जो आपके पास गिवन है, अ फॉर्मूला विच इज़ यूज टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेस है, ये फॉर्मूला इसलिए इस्तेमाल किया जाएगा कि आप कैलकुलेट करें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की, ठीक है। और बर्नौलियर ट्रायल पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल, एंड क्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट फेलियर का जो रिलेशन है वो आपके पास क्या गिवन है, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। तो अगर आपको फेलियर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, पी तो सक्सेस है, क्यू क्या है, फेलियर, अगर आपको प्रोबेबिलिटी फेलियर की फाइंड करनी है तो सिंपली आपको क्यू यहीं रहने देना है, पी की वैल्यू को क्या कर देना है, यहाँ पे माइनस कर देना है, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकल आएगी, यहाँ पे पी प्लस हो रहा है, यहाँ पे आके इज इक्वल टू के साइड पे क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी, तो यहाँ पे आपके पास क्यू की वैल्यू यहाँ पे देखिए निकाली हुई है, क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी। तो जब भी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गिवन है तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है। तो अब आपने क्यू की वैल्यू क्या निकाली, 1 माइनस पी, पी क्या गिवन है आपके पास 3/4, 1 में से माइनस करवाया आपने 3/4 इज इक्वल टू 1/4, ये आपके पास आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो ये सक्सेस आ गई, ये आ गई फेलियर। अब आपने जस्ट वैल्यू को क्या करना है, सिंपल सब्सिट्यूट करना है फॉर्मूले के अंदर। जब आपने सब्सिट्यूट किया n की जगह 4c2 और क्या नाम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है 3/4, 3/4 की पावर क्या है 2, और q क्या है आपके पास, q है 1/4 जो आपने अभी अभी कैलकुलेट किया यूजिंग रिलेशन फार्मूला, उस पर आपने रिलेशन फार्मूला कैलकुलेट करने के बाद n माइनस एक्स पावर क्या है इसकी, n माइनस एक्स, n 4 है और x क्या है 2, सबको माइनस करवाया, उसके बाद आपने सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद 54/5256 ये आपके पास क्या आ गई, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 54/256 जो है वो आपके पास क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2%, ठीक है। ये आपने क्या कर ली, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली।
तो जहां पे अभी यहाँ पे तो आपके पास सिंपल क्या गिविन था, सिंपल से आपकी वैल्यूज यहाँ पे गिविन थी, जिसके अंदर आपके पास लिख दिया था कि भाई ये एक्सपेरिमेंट जो है वो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है, तो इसलिए आपने जो इस पे प्रॉपर्टीज को चेक नहीं किया। लेकिन एक और तरह, दूसरी तरफ एक और सवाल देखते हैं, यहाँ पे देखें एक और आपके पास क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी डेट अ पेशेंट रिकवर्स फ्रॉम द डेलिकेट हार्ट ऑपरेशन इज 0.85। अब इन्होंने कहा कि एक पेशेंट जो है प्रोबेबिलिटी पेशेंट के रिकवर करने की हार्ट ऑपरेशन की क्या है, 0.85। मतलब पेशेंट है और वो जो है वो उनके ऊपर हार्ट ऑपरेशन हुआ हुआ है उन लोगों का, तो जो पेशेंट जिनका हार्ट ऑपरेशन होता है उनकी रिकवर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.85। मतलब जितने भी स्टूडेंट, मतलब जितने भी पेशेंट है जिनका भी हार्ट का ऑपरेशन होता है, तो वो हमेशा क्या होते हैं, वो रिकवर कर जाते हैं, 85% जो है पेशेंट रिकवर कर जाते हैं। और अगर 15% सिर्फ ऐसे हैं जो कि सर्वाइव नहीं कर पाते, क्या पता उनको कोई और डिसीज भी हो, फॉर एग्जाम्पल के मतलब हो सकता है कि क्या पता वो डायबिटीज़ के पेशेंट हो, डायबिटीज़ के पेशेंट की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, या फिर उनका इम्यूनी सिस्टम कमज़ोर है इस वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो हज़ार प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट मतलब पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाता। तो इन्होंने बता दिया कि पेशेंट जो है वो रिकवर करने की जो है वो उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है आपके पास 0.85, ठीक है। और अब जो है वो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट एग्जैक्टली थ्री पे एग्जैक्टली बताए फॉर द नेक्स्ट फोर पेशेंट हैविंग द ऑपरेशन ऑफ सर्वाइव। अब इन्होंने आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस किस पे पूछी है, थ्री पे बताएं, मतलब फॉर ऑफ द नेक्स्ट फोर पेशेंट हैविंग दिस ऑपरेशन। अब आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस उन्होंने पूछी, तीन पे आप मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बताएं, जबकि आपके पास चार नए पेशेंट जो है वो क्या हैं, अभी ऑपरेशन करने के लिए रेडी है, ठीक है। अभी चार मजीद ऑपरेशन हो सकते हैं और उन ऑपरेशन के दरमियान में जो आपको क्या है, आपको एग्जैक्टली थ्री पेशेंट पे उनको बताना है कि आप कितने परसेंट चांसेस है कि अब आप जो चार नए पेशेंट की जो है वो जब सर्जरी करेंगे हार्ट की, तो आपके पास तीन पेशेंट के रिकवर होने के मुझे चांसेस बताएं कितने होंगे। तो आप सबसे पहले, आपके पास ये बात आपको क्वेश्चन देख के थोड़ा सा समझ आ रहा है कि भाई ये क्वेश्चन जो है वो किस पे डिपेंड है, बाइनोमियल पे, क्योंकि इसकी सिर्फ दो पॉसिबिलिटी है, या तो पेशेंट जिंदा रहेगा या तो मर जाएगा, सही है। तो अगर सक्सेसफुली होगा, सक्सेसफुली इसका ऑपरेशन होगा, या फिर वो फेल हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो हर ट्रायल पे क्या होगी, सेम होगी। भाई फॉर एग्जांपल इसने कहा कि भाई मैंने जितने भी ऑपरेशन किए हैं वो 85% हम अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा सक्सेस हुए, तो अब जब नेक्स्ट पेशेंट पे भी करूंगा तो यही प्रोबेबिलिटी रहेगी ना कि भाई आने वाले भी बंदा जिंदा ही बचेगा, क्योंकि मैंने 85% को जिंदा देखा है, तो उस पर प्रोबेबिलिटी चेंज तो नहीं हो रही। हर ट्रायल पे प्रोबेबिलिटी, हर पेशेंट पे प्रोबेबिलिटी जो है वो जिंदा होने की 85% ही रहेगी। ऐसा तो नहीं है सामने वाले एक बंदे का ऑपरेशन किया उस पर 85 थी, दूसरे बंदे का ऑपरेशन किया तो आपने उस पर बोला नहीं 65। तो उन्होंने जो सक्सेसफुली काम किया उस पर तो उन्होंने बता दिया कि हमारी सक्सेसनेस जो है वो बेसिकली 85% है। तो जितने भी पेशेंट पे हम क्या करेंगे, सक्सेसफुली हम इनका ऑपरेशन करेंगे, उम्मीद है कि ये लोग भी सर्वाइव कर जाएंगे। तो हर ट्रायल पे आपने पता कर लिया, हर ट्रायल पे इनकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम जा रही है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ दो आउटकम भी हैं। इसका मतलब है कि हमारी ये प्रॉपर्टी जो है, जो हमने पढ़ी थी बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की, ये थोड़ी बहुत इसके ऊपर क्या हो रही है, सक्सेसफुली अप्लाई हो रही है। तो जब आपने इस प्रॉपर्टी से इस क्वेश्चन को वेरीफाई किया तो आपको लगा कि हाँ, इसकी चार प्रॉपर्टी जो है वो मेरे टॉपिक से रेलिवेंट है। तो अब आपने क्या किया, सिंपली इस पर क्या लगा दिया, सिंपल इस पर आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लगा दिया, फार्मूला लगा दिया, सेम है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी जो रिकवर का मतलब है सर्वाइवल, सक्सेस ये आपने गिवन कर दी। फेलियर की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल लोगे, वन में से माइनस कर दोगे 0.85। एन आपके पास गिवन है नंबर ऑफ पेशेंट्स, ट्रायल कितने हैं, चार, और एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, थ्री की। जस्ट आपने क्या करना है, फॉर्मूले में दोबारा से सब्स्टिट्यूट करवा दें, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो क्या था, एक सवाल, दो एग्जाम्पल के क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। एक तो मैंने आपको करवा दिया कि देखिए इस तरीके से सक्सेस गिवन होते हैं और उस सक्सेस के बेसिस पे जो है वो आपके पास प्रोबेबिलिटी बनाई जाती है। अच्छा स्टूडेंट, अजान हो रही है, दो मिनट रुक जाएं।
Thank you.